ये छपरी देखो, इसको बोलते हैं छपरी। रो भाई एक्सीडेंट। सो हेलो गाइस, क्या हालचाल है, आप सब ठीक ही होंगे। सो आज अपनी एक हीरो टाइप की राइड होने वाली है, और अपन थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने अभी तक इतनी लंबी राइड नहीं करी है, तो हम जाने वाले हैं आज भानगढ़। सो गाइस, अपना कुछ साथी थोड़ी सी दूर ट्रांसपोर्ट नगर इंतज़ार कर रहे हैं। सो गाइस, निकलते हैं अब यहाँ से, और 4:30 बजे का था, ये भाई सो रहे थे, ये भाई जग गए थे, ये भाई इसकी वजह से हुआ है लेट जो भी हुआ है, तो इनको जाके पहले मारेंगे, पिटाई करेंगे। चलो 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 यार, अरे हाँ पहन ले। अरे पहन ले, साले तू चल तेरी गान कुट गए। सो गाइस, निकल चुके हैं अपन हीरो टाइप की राइड पे। तो हीरो टाइप किस लिए कहता हूँ मैं, आज आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है सुबह सुबह, मेन बात यह है कि सुबह है ना 5 बजे निकलने का ही था, 4:30 बजे असेंबली थी हमारी, मीटिंग थी, बट ये भाई कुछ आलसी लोगों ने, एक जना उठ गया तो दूसरे को फ़ोन करके क्या बोलते हैं, भाई तू भी सो जा, जिसने जो फ़ोन करा है अपन चलेंगे आराम से, ऐसे ही है जो पीछे मिले लोग क्या बोले इनको। मौसम तो भाई जहर हो रहा है, सुबह सुबह का तो ठंडा अच्छा लग रहा है, बाहर के सीन पता नहीं, क्योंकि हम क्या दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, दूसरे सिटी में जा रहे हैं, सो मैं भी वहाँ पर कुछ अलग इन्वायरमेंट हो, और अपना जो साथी है 3-4 जने और है, वो हमारा पिछले 1 घंटे से वेट कर रहे हैं आगे, क्योंकि उनका रास्ता क्या दूसरे साइड से जाता है, तो वहाँ से जाके अलग मीटिंग पॉइंट है, उसी हाईवे पे मिलता है। मादर देख रहे हो, पानी फेंक रहे हो, पानी फेंक रहा है, चलती गाड़ी में गाली आ रही है, ये क्या गजब आदमी है यार ये बंदे। बच गई गाड़ी 2000 years later के बाद ये साला पेट्रोल भरा के आते हुए, साला कुत्तों कमीनों। चलो पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ है, भैया BMW वाले मिल चुके हैं। गाइस, इस बाइक वाले को ध्यान से देखो, बिना हेलमेट के वो भी गलत साइड से मुझे ओवरटेक करा, वो भी हाई स्पीड में, और उसने कोई भी सेफ्टी गियर नहीं पहन रखे, तो आगे आप वीडियो को देखो इसके साथ क्या होगा। ये छपरी देखो, इसको बोलते हैं छपरी, भाई देखो गाड़ी नहीं होती, भयंकर होता है, देखो पल्सर है, चलो कोई सी भी हो, मैं कहता हूँ ये छपरी है, सीधी सी बात।
रो भाई एक्सीडेंट, भाई है वही है। भाई पानी वानी नहीं, पानी वानी नहीं। अरे यहाँ पर है ना, फटाफट कहाँ पर है, दिल्ली रोड पे ना एक एक्सीडेंट हो गया है अभी अभी। दिल्ली रोड पे कहाँ पे हुआ है? दिल्ली रोड पे ये कहाँ पर है, प्रॉपर लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन लोकेशन, एक सेकंड एक सेकंड। इसकी अंकल, इसको इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं? ये कुंडा 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 कुंडा, आमेर कुंडा में हुआ है क्या? हाँ हाँ, यहाँ पर ये दिल्ली रोड पे जाते हैं ना उधर, कुंडा कुकस के पास में ना। हाँ 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 हाँ, फटाफट आ जाओ भैया, यहाँ पर बहुत तगड़ा हुआ है। नाम क्या आपका? गोविंद सैनी। गोविंद? हाँ, फटाफट भेज दो भैया, फटाफट। अभी बात करवा रहे हैं एम्बुलेंस स्टाफ से, आपकी कॉल मत काटना, ठीक है? ठीक है ठीक है भैया, फटाफट पहुँचवा दो। कृपया कॉल पर बने रहें, अपना नंबर स्विच ऑफ या फिर भी ना करें, जिससे हमारे अधिकारी कार्य कर रहे हैं। कृपया कॉल पर बने रहें, अपना नंबर स्विच ऑफ या फिर भी ना करें, जिससे उपलब्ध कराने के लिए हमारे अधिकारी कार्य कर रहे हैं। हेलो हेलो, यहाँ पर ये कुंडा पे ये कुकस के पास फटाफट एक्सीडेंट हो गया, भैया फटाफट आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, कुंडा पे किस साइड पे? दिल्ली रोड पे। दिल्ली रोड पे, दिल्ली रोड पे। ठीक है जी, ठीक है, फटाफट से 5 मिनट में आ रही है, ठीक। फटाफट भेज दो भैया, सर में लगी है इसकी भयंकर। कैंसिल करें क्या राइड? एम्बुलेंस आ गई क्या? कर लिया मैं, कर लिया मैंने, कर रहा हूँ मैं, आ रही है एम्बुलेंस। अभी तेरे बनाए रखे एम्बुलेंस आ रही है, घर से रवाना कर दिए। फटाफट भेज दो यहाँ पर कुंडा के पास, कुंडा ही बोलते हैं ना इसको, कुंडा पुलिया। हाँ जी, अभी आवाज रवाना हो गई है, पुलिया से पहले ये पुलिया। हम पता नहीं किस साइड से आओगे आप, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन फटाफट भेज दो आप। लोकेशन भेज देना, लाइव लोकेशन भेज देते हैं, नंबर दे दो। अरे बोल दे नंबर दे रहे, लाइव लोकेशन भेज दो। हेलो, पानी नहीं, पानी नहीं। भाई गाड़ी साइड में हटा लो, एम्बुलेंस आएगी, गाड़ी साइड में हटा लो, गाड़ी साइड में कर लो, एम्बुलेंस आएगी। भाई भाई इसको बोलना भाई, थोड़ा सा कॉन्शियस रहे इसको। इसको थोड़ी हर्ष, इसको नितिन पीछे लेना थोड़ी सी, मैं गाड़ी साइड में करूं। Yeah.
भाई फटाफट पहुंचा दो यार। हेलो, क्या एम्बुलेंस सर्विस है यार? आ रही है, बता रहे, आ गई आ गई, यही है यही है। भाई इसमें हो पे इसको लेके जाओ सालो। क्या एम्बुलेंस है यार ये भी? अरे कहीं से भी आ रही है, उनको लेके जाना चाहिए था ना इसको। एम्बुलेंस का कर्तव्य क्या होता है? हॉस्पिटल पहुँचाना। कार गलती नहीं पीछे होगा कार में आ गई। यही है। अरे यही है, ये नहीं रोकेगी, ये हॉस्पिटल की आएगी, आंखों के हॉस्पिटल से आएगी। एक शॉट अरे भाई क्या कर रहा है? उसको बोलो थोड़ा सा रहे। अरे बाइक पे लेके भाग जाओ यार। पता नहीं क्या हो रहा है इनको, अरे कितना टाइम लगेगा यार इस एम्बुलेंस को? लोकेशन दे दिया तूने? प्राइवेट नंबर मांग लेता यार, तेरे को बहुत जल्दी है। अरे अभी एम्बुलेंस के लिए क्या था, एक्सीडेंट हुआ है अभी तक, है ना, एम्बुलेंस आई नहीं है। कितना टाइम बताया था सर आपको? आपको तो 5 मिनट बताया था, 5 मिनट से बहुत ज्यादा ऊपर हो गई और सर में लगी है चोट। 5 मिनट ज्यादा नहीं बताया, 1 मिनट ऊपर हुए, ठीक है सर, एम्बुलेंस आ रही है, वेट कीजिए 2 मिनट में। मेरे पास कॉल डिटेल है भैया, यार मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, मैं आपको दिखा दूं कब किया था कॉल। सर हमारे यहाँ पे हम देख के बता रहे। हेलो, इधर हो? यहाँ पर कुंडा पुलिया से कहाँ पर है भैया? पुलिया से पहली है, पुलिया से पहली है, चेक पोस्ट बता दो, एक उनको रास्ता बताओ, लोकेशन भेज देना। पीली की चलाई पुलिया? पीली की चलाई, हाँ कुंडा और पीली तलाई के बीच में है। हेलो हेलो, हाँ हाँ हेलो, ये हमारे से रेस लगा रहे थे ये, हाँ बिना हेलमेट के चल रहे सीधा एक लाइन में सारे आगे पीछे आगे पीछे अपनी एक स्पीड पे। मेरे भाई साहब यूं गए और मुकाबला हो रहा है बीच में से कट मार आज आज गाड़ी चल नहीं थी साफ में। अरे हम तो भैया के पीछे थे, भैया ने हाथ दिखाया तो हमने देखा ये लेटा, भैया ने रोका ना कि एक्सीडेंट हो गया, हम तब रुके। आ गए आ गए एम्बुलेंस, इधर इधर ले जाएंगे, चलो अपन निकलते हैं। रुक जा, अबे रुकना साले, क्या इंसान है, हाँ वो हट जाओ भाई, स्कूटी साइड में लेना, एम्बुलेंस आ रही है। कैमरा में रिकॉर्ड गिरता हुआ रिकॉर्ड हुआ है वहाँ नहीं पता, लेकिन वो सामने एक भैया ने रोका, भाई एक्सीडेंट हो गया, ले जाओ इसको, हाँ रिकॉर्ड हुआ है ना।
हाँ अरे नहीं अभी पहुँचेंगे, अभी मैं पहुँच जाऊँगा, बताओ ना क्या हुआ। हाँ हाँ ठीक, भाई इनको ले जाओ फटाफट हॉस्पिटल। राकेश क्या ख्याल है? हाँ मेरा मन खराब हो रखा है, स्लो चलेंगे, मेरे को उल्टी आ रही है, मजाक नहीं कर रहा, स्लो चलेंगे क्योंकि ये खून देखते हैं ना, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा, बहन से पता नहीं क्या चलती आदमी है, तो चलाते गाड़ी हेलमेट यार, एक तो तेज चला रहा हूँ, पड़ जाए हेलमेट, हेलमेट अलग ही यार, तो भाई साहब ने पता नहीं कौन था क्या था, ये भी नहीं पता कौन है, कितना बोल रहे हैं भाई, बोतल दो यार, हेलमेट वारी उसकी पुल वारी पल्स गाड़ी उसी को दे दी उसको, अबे जेब में डाल, इसका फोन वगैरह भी दे दो इनको, फोन किधर है उसका, बैग वाली फोन वगैरह भी दे दो, सही फोन कहां है वो, तो उधर चल, उधर आ जाओ, ओए उधर चल लियो, हम उधर या सोहेल के हाथ दिला दे, पानी थोड़ी है किसी के पास, सो गाइस उसके बाद उस लड़के को फटाफट हमने एम्बुलेंस में बुला के भेज दिया फटाफट हॉस्पिटल, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, और उस टाइम सब के हमारे दोस्तों की हालत ख़राब थी, क्योंकि जिसके हाथ में जिसने उठाया था वो सोच रहा था भाई कहीं हाथ में ही ना दम तोड़ दे, तो उसके तो कपाहट हो रही थी, जैसे कि मुझे भी हो रही, क्योंकि वो सीन याद करके मेरे भी रूह कांप जाती है, और दोस्तों को घरों को लग रहा था कि भाई अब आ गए नहीं, राइड नहीं कर पाएंगे और दोबारा रिटर्न हो जाते हैं। तो गाइस कुछ ऐसा सीन था जैसे कि आप देख सकते हो, तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वो बंदा एक तो मेरे लेफ्ट साइड से ओवरटेक करा है, वो भी हेलमेट हाथ में टाक के, एंड देन उसके बाद वो हेलमेट अपने हैंडल पे रख लेता है, हैंडल पे टाक देता है, जिससे क्या उसका जो मूवमेंट होता है वो लॉक हो जाता है, जिस वजह से वो टर्न नहीं ले पाता है, एक कार वाला पीछे से आता है उसको ठोक जाता है, क्योंकि वो टर्न नहीं ले पाता है, उसको इंडिकेट करता है एंड वो स्लिप हो जाता है, और उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट आती है और हड्डी ये पूरी टूट चुकी होती है। सो गाइस ये नज़ारा पूरा ब्रूटल, मतलब ये ऐसा था पूरा ख़तरनाक था, कि जिस बंदे को मतलब कि जैसा कि आपने देखा वीडियो में, कि एक तो ओवरटेक कर रहा है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, हमें देख के एड्रेनलिन रश हो गया, हम तो प्रॉपर तरीके से गियर पहन के, क्योंकि मेरा ये था जब भी मैं बाइक लिया था तब भी मेरा तो कुछ होना हो, एक हेलमेट एक शूज़ तो होना ही चाहिए, कभी भी राइडिंग करो, और पूरे सिग्नल सीखने चाहिए, अगर आप ग्रुप में चल रहे हो तो कब स्टॉप करना है, कब लेफ्ट रुकना है, कब राइट होना है, कब स्लो होना है, तो एटलीस्ट आप ग्रुप में राइड करो तो ये सीखो, एंड अगर सोलो भी करते हो तो थोड़ा सा गियर्स पहन के, एंड ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको लगता है कि हाई स्पीड पे गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर स्लो चलना चाहिए। सो गाइस मैं उस बंदे के लिए प्रे करता हूँ कि जल्दी से रिकवरी हो, एंड देन वो दोबारा ये गलती ना करे, एंड जब भी गाड़ी चलाए पूरी सेफ्टी के साथ चलाएँ। सो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ।